दर्शक वृन्द नमस्कार, कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। हम सब निरंतर विभिन्न जिला में केना के तैयारी भ रहल छै, जै हिसाब से अखन कोरोना के बात करी त पहिलका कोरोना से अखन कोरोना वायरस के जोखिम अधिक छै। ई कड़ा किस्म के कोरोना छै, तै दुआरे वही अनुसार के तैयारी होवे के चाही। प्रदेश दू के जो बात करी त प्रदेश दू सरकार से हो बेर बेर मीटिंग निर्णय सब कह रहल छै, तैयारी कह रहल छै, से कह रहल छै। ग्राउंड में किछ अवस्था विभिन्न जिला के विषय में निरंतर हम सब जानकारी दे रहल छी कि विभिन्न जिला में की छै अवस्था, ओतय के सिचुएशन केहन छै, व्यवस्थापन के काज केना के भ रहल छै, जे सब संक्रमित छै हुनका सब के इलाज केना के चल रहल छै, यावत विषय में बात करैत आबि रहल छी। एहि क्रम में आइ सप्तरी के अवस्था केना छै, सप्तरी में कोरोना संक्रमित सबके इलाज व्यवस्थापन ओहि जगह के पूर्वाधार के बात करी तो केहन छै, इलाज केना भ रहल छै, कतेक ओतय के क्षमता छै, यावत विषय में बात कर जा रहल छी सप्तरी के संदर्भ में। अखन जुड़ल छै डॉक्टर रंजीत झा, ओ मेसू छै गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के, हुनका सब बात करब। लेकिन ओहिसँ पहिले किछु आंकड़ा सप्तरी के, जे पिछला आंकड़ा के बात करी तो जे प्रदेश दू सरकार जे उपलब्ध करौने छै आंकड़ा, 16 गते के एक गोटे संक्रमित रहे, 17 गते जाकर 27 गोटे ओतय संक्रमित देखल गेल छै, 18 गते में एको गोटे नहि भेलै, आ 19 गते में 11 गोटे संक्रमित सप्तरी में भेटलै, जबकि दू गुना से बेसी संक्रमित 20 गते भेटलै। या एना के एकरा बुझल जाए कि सप्तरी में सेहो संक्रमित के संख्या दिनानुदिन बढ़ैत जा रहल छै। ई तऽ भेलै संक्रमित के संख्या जे बढ़ि रहल छै, आन जिला में सेहो इएह अवस्था छै। ओतय के आइसोलेशन के बात कयल जाए तऽ जै अनुसार प्रदेश दू सरकार जे आंकड़ा देने छै तऽ ओहि अनुसार होम आइसोलेशन बेड के, आइसोलेशन बेड के नंबर छै 250, मतलब सप्तरी में कुल 250 आइसोलेशन बेड अखन छै, से कह रहल छै प्रदेश दू स्वास्थ्य निर्देशनालय के आंकड़ा। अखन के अवस्था के बात करी तऽ प्रदेश दू के सप्तरी में 250 आइसोलेशन बेड हुए के चाही। डॉक्टर साहब से अब सब विषय में बातचीत करब कि यथार्थ की छै। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम स्वागत करै छी। धन्यवाद। शुरुआत हम पहले तो संक्रमित सबके विषय के लक कहब, जे हिसाब से आंकड़ा के बात करी तो बढ़े जा रहल छै, शुरू में एक गोटे रहे 16 गते, ओय के बाद बढ़ैत बढ़ैत अखन 39 गोटे, 20 गते के आंकड़ा छै, 39 गोटे, मतलब तीव्र गति में ओहू सप्तरी में बढ़ रहल छै। यद्यपि प्रदेश दू के बात करी तो ओतय अखन जोखिम कम छै, या संक्रमित के संख्या तुलनात्मक रूप में बहुत कम छै। गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल के अपने मेसू छी, अखन ओय के अवस्था की छै, अहाँ सब केहन किस्म के तैयारी केने छी? तैयारी अखन अहाँ के हमरा सब लगभग समापन के चरण में छी, लेकिन कनिक व्यवस्थापन जे छै से पहिले से किछु अलग तरीका से हमसब प्रस्तुत भेल जा रहल छी। जेना एहिसँ पहिले हमरा सब 178 बेड के आइसोलेशन सेंटर कंडक्ट केने रही, लेकिन एहि बेर 178 बेड कंडक्ट केलियै, लेकिन ओ आइसोलेशन सेंटर के रूप में नहीं कि उपचार केंद्र के रूप में हमसब कन्वर्ट केलियै, तऽ 178 बेड चलेनाइ संभव नहि भऽ सकलै, ताहि दुआरे ओकरा रिड्यूस कऽ कऽ शुरू में 35 आ अखन ओकरा मॉडिफाइड कऽ कऽ 50 बेड में लेल जा रहल छी। ओ छियै माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केस के लेल, जे साई कृष्णा नामक एकटा पुरान अस्पताल में स्थापना कयल गेल छै, ओहिमे 178 आदमी अटायल जा सकैया, लेकिन उपचार के विधि अपनाबक लेल ओ जगह अहाँके उपयुक्त नहि नजर एलै, ताहि दुआरे ओकरा रिड्यूस करऽ पड़ल छै बेड के। एहि बेर सिम्पटम्स भेला बीमारी बेसी आबि रहल छै, तेहो कारण से अपने के ओकरा अस्पताल के रूप देबाक कारण से मतलब बेड के अहाँके रिडक्शन में जाय पड़लै हमरा सबके। मतलब 178 बेड के तैयारी भेल छै ओतय साई कृष्ण हॉस्पिटल जे अपने कहलियै, ओ तो 178 बेड के, 178 बेड रे, इसे पहलू का पहले रहा जी। अखन अखन ओकरा रिड्यूस करके 50 में ल जा रहल छी। 50 बेड रहते लेकिन उपचार सहित के रहते? जी जी, 50 रहते उपचार सहित के रहते। उपचार सहित के मतलब की की हो जे और की व्यवस्था रहते होय जे ओ दा माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केस, जकरा कम ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट छै, साधारण ज्वर बुखार मात्र आबि रहल छै, बुखार सब कम नहि भ रहल छै, ओहन टाइप के बीमारी के राखबै, लेकिन ओहिसँ ऊपर अहाँके अस्पताल भीतर अस्पताल के परिसरे में हमसब अखन एच डी यू सेंटर सेहो 25 बेड के
हाले परसू से संचालन के लिए अस्पताल अस्पताल परिसर में से जे 25 बेड के हम सब तीन किस्म से डिवाइड कने छे आठ सातटा बेड जे छै से आईसीयू जे में अपने के चारटा वेंटिलेटर के सुविधा सेहो रहते चारटा बेड जे छै से अपने के एनआईसीयू के रूप में हम सब स्थापित कने छे आ 14टा बेड जे छै ओइ ठम आ के हाई फ्लो ऑक्सीजन दे के व्यवस्था मिलने छे ई सब बेड सब जे छै से आ के हाई डिपेंडेंसी यूनिट के रख लिए सो दैट यदि बीमारी माइल्ड सिम्टोमेटिक कोनो कम रूप से गंभीर स्थिति में गेले ओहन बीमारी के हम सब अस्पताल परिसर में उपचार करे के व्यवस्था मिला रहल छै जी त एकरा एना बुझल जाय कि 25टा बेड छुटियाउल गेल छै तेकरा अहाँ सब तीनटा में डिवाइड केने छै नै एसडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट तैके बाद आईसीयू आ तैके बाद एकटा अपने कहली एनआईसीयू जी त एना क तीनटा में अपने डिवाइड केने छी एकरा 25 बेड के कहि उपचार सहित के व्यवस्था कयल गेल छै गजेन्द्र सिंह अस्पताल में ई कहिया शुरू भेलै सघन उपचार दू दिन के लिए दू दिन से शुरू भेलै जी आब एकटा चीज अपने डॉक्टर साहब एकटा चीज और बुझऽ चाहब क्या कि दर्शक इहो बुझऽ चाहै छै कि एहिसँ एक साल पहिलका के बात करी तऽ कोरोना के संक्रमण तहिया के तैयारी आ हुनका तैयारी में की अंतर की अलै मतलब तहिया गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल में केहन तैयारी रहे की व्यवस्था कयल गेल रहे आ ओहिसँ पृथक या ओहिसँ नीक एहि बेर की कयल गेलै एहि बेर बहुत फर्क छै अहाँके लास्ट ईयर मैच्योर्ड नहि रहै क्यों भी नया चीज रहै नया संक्रमण रहै केना के रखब की करब से स्थिति में रहिए अहाँके बीमारियों सब जे रहै से अहाँके पॉजिटिव होय अस्पताल पठा देल जाय तऽ अहाँके एना के बुझऽ पड़तै उपचार से बेसी खान पीने में समय चलि गेलै बीमारी के केना के खुएबै केना के रखबै तै स्थिति में हमसब रहिए लेकिन एहि बेर जे छै हमरा सब उपचार केना देबै ओहि पाछू लागल यऽ ओहि के एकटा उपलब्धि छै जे अखन हाई डिपेंडेंसी यूनिट खुललै यऽ ओहिमे अपने के शिफ्ट वाइज डॉक्टर सब राखल गेल छै आ ओकरा संचालन के जे विधि सब छै ओ सबटा अपनायल जेतै तऽ हमसब एहि बेर मैच्योर्ड ओहिमे प्रस्तुत हेबै आ अस्पताल पहिले से अहाँके भौतिक रूप में जे कहबै तऽ बहुत सम्पन्न रूप में हमसब प्रस्तुत भऽ रहल छी अखन कते गोटे संक्रमित छै ओतऽ इलाजरत टोटल जी इलाज टोटल करा रहल छै संक्रमित सब जी हमरा सबके अस्पताल में अखन 8टा भर्ना छथिन आ 122टा संक्रमित जे छै पीसीआर पॉजिटिव आयल छै बाकी किछु एंटीजन पॉजिटिव सेहो छै 122टा आयल यऽ जो ई 122टा जे छै अपनेके ई दू तीन दिन के इंक्रीजमेंट छियै अगर ई लास्ट थ्री डेज से बहुत पीक स्टेटस में हमसब जा रहल छियै प्रदेश सरकार जे डाटा देने छै ओहि अनुसार 121 गोटे अखन होम आइसोलेशन में छै से कहि रहल छै अखन प्रदेश सरकार जी तऽ जना अपने कहली कि 8 गोटे अखन इलाज करा रहल छै नै तऽ हुनकर सबके अवस्था केहन छै ठीक छै इम्प्रूवमेंट काफी इम्प्रूवमेंट छै अखन बढ़िया भऽ रहल छै सब बीमारी संभवतः एकटा के हमसब काल्हि तक डिस्चार्जो कऽ लेबै जी जना कि किछे दिन पहिले जनकपुर के विषय में सेहो संवाद केने रहिए अतुका जे इंचार्ज छै तिनका जे बात केने रहै तऽ हुनका से ई प्रतिक्रिया आयल कि एहि जे 13 गोटे भरना छै लेकिन सबके ऑक्सीजन दिअ पड़ि रहल छै एकटा चिंता के विषय तऽ ई छै तऽ सप्तरी में अखन गजेन्द्र सिंह अस्पताल में जे सब छथि 8 गोटे अपने कहलिए तऽ तिनका सबके अवस्था केहन छै किनको ऑक्सीजन दिअ पड़ि रहल छै तेहन अवस्था छै या सामान्य छै प्रत्येक बिरामी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी सब रहे शुरुआत में अहाँके एसडीयू परसू से संचालन भेलै लेकिन उससे पहले उनका सबके ऑक्सीजन पर हम सब प्री आइसोलेशन में रखने रहिए अखन एसडीयू में शिफ्ट भेलै यऽ अखन 8टा में अपने के 2 या 3टा बाइक सबके ऑक्सीजन पर रखल गेल छै ऑक्सीजन खपत बहुत ज्यादा छै आ ऑक्सीजन जे छै हमरा सबके भराबक लेल इधरी जाय पड़ै छै ई एकटा बड़ा समस्या के विषय छै ऑक्सीजन प्लांट नै लगल छै हमरा सबके अस्पताल में ई एकटा चिंता के विषय छै लेकिन अखन अहाँके 5 आदमी के ऑक्सीजन पर रखने छै 5 गोटे 8 गोटे में 5 गोटे ऑक्सीजन पर छै आ 3 गोटे सामान्य छै कहल जा सकै यै नै जी आ हुनकर सबके अवस्था केना छै जे सब ऑक्सीजन पर छै हुनकर सबके अवस्था अखन केहन छै इम्प्रूव भ रहल छै सैचुरेशन जखन आयल रहै तखन ककरो 70% ककरो 60% 10 सब रहै अखन मेंटेन्ड छै आ हमरा सब जे उपचार विधि छै सेहो अपने लिए तऽ बहुत काफी इम्प्रूवमेंट भेल छै बीमारी सब आब जे सब भरना भेल छै तऽ तिनका सबमे सिम्टम्स के देखल जा रहल छै एकटा श्वास प्रश्वास के स्वाभाविक छै समस्या तऽ हेबे करतै आओर की छै मेजर सिम्टम्स तऽ वएह छै पुरानी बजगा जेना खोखी लगनाय बुखार नहि उतरनाय हाई ग्रेड फीवर
तकर बाद अपने के खोखी साधारण अहाँ के कफ सिरप सबसे इम्प्रूव नहीं भेल, तकर बाद कमजोरी एकटा सबसे बीमारी में जो कॉमन सिम्टम्स हमरा से भेट रहल छे जे बहुत वीक भ गाबै छै, एकदम कमजोर देह में कोनो शक्ति नहीं है से प्राय अपने के कम्प्लेन आबि रहल छै बीमारी सब में, गंध नहीं लगनाय वह सिम्टम्स सबसे, लेकिन बेसी जे प्रेजेंटेशन छै जे कारण से भरना होइ छै से प्रमुख रूप में अपने के श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या के कारण भरना भ रहल छै, जहन सांस लै में तकलीफ भेल तो ओकरा लग अस्पताल बाहर विकल्प किछु नहीं छै। जना कि 8 गोटे अत भरना छै आ प्रदेश दू के ओमे 70 के जे आंकड़ा के बात करी तो 121 गोटे ओत संक्रमित छै, अखन अखन के डेट में 121 गोटे संक्रमित छै जे आंकड़ा कहि रहल छै 8 गोटे। हमरा जी जी अपने सबके आंकड़ा की कह रहा है जे प्रदेश दू सरकार देने से आंकड़ा तय अनुसार हम कह रहा है कि 121 गोटे छे, अहां सब लग कोन आंकड़ा छे? आंकड़ा कनी ऊपर नीचे की भ जाय छे, हमरा सबके डाटा अनुसार 122 आदमी छे। ओके तो हम अपने से ई बुझा चाहे छे कि जे सब बाकी छे आ मतलब 8 गो तो जे इलाज करा रहल छे जे बाकी छे तो उ सब तो घर में हेते, तो जना कि कोई बीमार आबि रहल होय हमरा भरना क दिय से कहैत याल होय, या अहाँ सबके एकटा कोनो नियम ओहन बनौने छी कि कोन अवस्था में अस्पताल में भरना करबै, जना SDU छै हाई डिपेंडेंसी यूनिट तो स्थापना के लिए, लेकिन कोन अवस्था में बीमार सबके भरना कयल जेतै ओतऽ? यदि पॉजिटिव मात्रे छै लक्षण नहीं छै तो ओहन बीमारी के हमसब भरना नहीं करबै, ओकरा होम आइसोलेशन के लिए प्रायोरिटाइज कऽ रहल छियै, लेकिन यदि लक्षण छै समस्या बढ़ रहल छै ओहन बीमारी के हमरा सब भरना कऽ रहल छियै आ ओहिमे समस्या नहि छै, हमरा सब यदि बीमारी के तकलीफ बढ़ रहल छै या अपने के बुखार नहि उतरि रहल छै ओहन बीमारी के भरना कऽ रहल छियै। जी तऽ एकटा तऽ अपने साईं कृष्ण हॉस्पिटल के विषय में सेहो कहलियै कि ओतऽ सेहो एकटा इलाज के व्यवस्था सहित के ओहन किसी के व्यवस्थापन कयल गेल छै 50 बेड के, ओतऽ सेहो किछु लोक भरना छै या अखन खाली छै केना छै? बढ़िया प्रश्न के लिए अहाँ बता दी जे ओ 50 बेड में जे मैन पावर चाही से मैन पावर हमरा सब लग नहीं छे, व्यवस्था के लिए है लेकिन बीमारी रखबे तो हमरा मैन पावर चाही, एक लेल जे पहिलुका मैन पावर रे सबके SDU में अखन लगाल गेल छे, एहि दुआरे कि अपने के 25 बेड इहो नया बेड छे, 25 बेड के सेवा बढ़ेला के कारण आ ओहो में हाई डिपेंडेंस यूनिट चलाबे के लेल एकदम ट्रेंड मैन पावर सब चाही। एकटा तो सर्वमान्य सिद्धांत छै कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लेल मतलब दुटा बीमार के एकटा नर्स हैंडल करतै से तो हो के चाही, एकटा नर्स आ दुटा बीमार तै अनुसार के रेशियो हो के चाही से कहल जाय छै, अहाँ सब के केना छै ओतऽ जनशक्ति के बात करी त? ई बात अपने पुछलियै त एकर उत्तर दै पड़तै लेकिन स्थिति तेना नै छै, नेपाल में ई संभव नै छै, ई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल अनुसार अपने कहलियै, लेकिन अतः नेपाल में ई प्रैक्टिकली संभव नै भ सकैए, मात्र ई गजनारायण सिंह अस्पताल में कोनो भी अस्पताल अत्ते मैन पावर रिक्रूट नै कऽ सकैए, हमरा सबके अखन जे सेवा दऽ रहल छै ताहिमे जेना 25 बेड में एकटा मेडिकल ऑफिसर, 2टा नर्स, एकटा पैरामेडिक्स आ एकटा कंसल्टेंट अत्ते ड्यूटी में रहै छै, एहि मैन पावर से हमरा सब चला रहल छी। मतलब अत्ते अखन छै से अपने कहि रहल छियै? इंटरनेशनल प्रोटोकॉल अनुसार कहबै तऽ बहुत ही चाही, इवन ओते इंटरनेशनल प्रोटोकॉल तऽ खैर संभवे नहीं छै, कम से कम साईं कृष्णा के कंडक्ट करय के लेल 0 मैन पावर छै, 0 मैन पावर नहीं छै, ताहि कारण से हमरा सब केन्द्र के प्रदेश के सबके चिट्ठी लिख चुकल छियै, स्थानीय स्तर से डॉक्टर नर्स मांगल गेल छै आ केंद्र सरकार के आग्रह पर अपने के विज्ञापन निकाल के हम सब स्टाफ रिक्रूट करे ले सेहो जा रहल छियै, सो दैट कि हमरा सब साईं कृष्णा अस्पताल में उपचार केंद्र स्थापना कर सकी। जी साईं कृष्णा अस्पताल के जो बात के लिए तो अतः तो गजनेन्द्र सिंह अस्पताल में SDU भेले, साईं कृष्णा अस्पताल में अपने कहली ओहो जो इलाज केल जेतै ने तो एकटा स्वाभाविक छै कि ऑक्सीजन के बात अबै छै कि कमती में ओइजा ऑक्सीजन त राखी पड़तै, तेन कि किसिम के व्यवस्थापन कयल गेल छै ओतऽ? ओतऽ अखनो 10टा सिलिंडर रेडी छै आ ओइसे बेसी आवश्यकता पड़तै त हमरा सब SDU में शिफ्ट करबै, आर बढ़ाबै के कोशिश कर रहल छी, ऑक्सीजन सिलिंडर आर बढ़ाबै पड़तै, अखन डेट में हमरा सब लग 91टा सिलिंडर छै आ ओइमे बड़का सिलिंडर 35टा संख्या में छै, ओतौ के लेल हम सब 10टा छुट्टी एने छियै, 81टा हम सब अस्पताल भीतर में रखने छियै,
संख्या बढ़ावे जेबे ऑक्सीजन के संख्या बढ़ावे प्रयास में सेहो लगल छै। गजेन्द्र सिंह अस्पताल के वर्तमान जे जनशक्ति के पहले बात करी तो कतेक छै जनशक्ति, जतेक चाही ओते छै, जे दरबंदी छै ते अनुसार छै कि नहीं? एना छै गजेन्द्र सिंह अस्पताल के अखनो 50 सैया के अस्पताल के रूप में दरबंदी देल गेल छै। ओ दरबंदी तो लगभग पुगल छै, लेकिन आब ओहो दरबंदी जे छै 50 टा वाला दरबंदी जे छै ओहो अनुसार डॉक्टर के अभाव छै, नर्स के अभाव छै, कार्यालय सहयोगी के अभाव से 50 बेड के स्तर में अस्पताल जे छै से अखन भौतिक रूप से हमरा सब जे छै अस्पताल के विस्तार करैत गेलिए तखन 120 टा बेड चला रहल छी अस्पताल में ऑलरेडी जी। वह 50 टा मैन पावर, 50 टा अस्पताल के लिए जे मैन पावर रिक्रूट केने छै केंद्र, वही मैन पावर से हम सब 120 सैया के अस्पताल चला रहल छी। आ हाल में अखनी 25 टा HDU सेहो थपलिए, तो अब बुझ सके छी जे मैन पावर के स्थिति की हेतै। ओकरा फेर से रीजनरेट करने बहुत जरूरी छै गवर्नमेंट के, से अखन तक नहीं भेलैए। ओकरो डिमांड केंद्र सरकार से जे निरंतर अस्पताल चलै छै वही के लेल मैन पावर के अभाव पहिने से छै, फेर अखन कोरोना के कारण से HDU बढ़ाओल गेलैए, लेकिन अय के लेल मैन पावर एतै कतय से एतै, वही के लेल प्रयास अखन तक की भेलैए, कहिया तक मैन पावर चलि एतै, की केना छै प्रयास? तो जहिया से मिस बनलिए कम से कम 10 टा चिट्ठी गेल हेतै केन्द्र, 10 टा गेल हेतै प्रदेश, जे हमर सबके स्थिति एना यऽ इम्प्रोवाइज करू। आ कोरोना आबै से पहिलो ही प्रयास भेल छै अस्पताल के नीक स्तर उन्नति के लेल जे हमरा सबके मैन पावर पठाओ, तऽ ओहि समय में नहि एलै। अखन तऽ फेर कोरोना थप भऽ गेल छै, तऽ आब बुझि सकै छी जे मैन पावर के तऽ चरम अभाव भऽ रहल छै। एहि पर आब केन्द्र सरकार हमरा सबके अखन कहलकै जे अहाँ भर्ती कऽ सकै छी, तऽ ओहि अनुसार किछु दरबंदी हमसब क्रिएट कए कऽ मंगलियै। जेनाकि काल्हि प्रदेश सरकार एकटा निर्णय केलकै यऽ से प्रदेश के विभिन्न अस्पताल में 4 से 17 टा अस्थायी दरबंदी क्रिएट कयल जेतै से कहि कऽ, आ आवश्यकता अनुसार भरना कयल जेतै से कहने छै प्रदेश सरकार, तऽ ई एकटा तऽ सकारात्मक निर्णय भेलै यऽ। तऽ आब रहलै कार्यान्वयन कते होइ छै से महत्वपूर्ण बात छै ने, जेना अपने कहली कि हम जहिया से मेसू बनि गेलियै तहिया से प्रयास कइये रहल छियै, मतलब फुलफिल नहि भऽ रहल छै, जते दरबंदी छै सेहो नहि भऽ रहल छै, आ नया के तऽ आओर दूर के बात छै, तऽ की कहल जेतै? मतलब सप्तरीवासी के पहिल जे एकटा आशा के केन्द्र कही तऽ सगरमाथा अस्पताल छै ने, गजेन्द्र सिंह सगरमाथा अस्पताल छै ने, तऽ हुनका सप्तरीवासी तऽ पहिले तऽ ओतै जेतै इलाज कराबऽ, ओतै के आशा रखने छै, तऽ हुनका सबके अगर अहाँके कहऽ पड़े तऽ की कहबै? हम तऽ एकटा बात कहबै जे अहाँ सब अस्पताल के आवश्यकते नहि पड़ै से कोशिश करब, ताहि दुआरे कोरोना पॉजिटिव भेला बीमारी के जे उपचार छै से अखन तक सर्टेन उपचार नहि आयल छै कोनो, जे एहि एहि दवा खेला सँ कोरोना ठीक भऽ जेतै से दवाई के अखन तक विकास नहि भेल छै, से सबके जानऽ पड़लै। ताहि दुआरे अस्पताल में जे अबै छै डॉक्टर जे अखन ड्यूटी करै छै जे सिर्फ सपोर्टिव केयर भऽ रहल छै, सपोर्टिव केयर मतलब भेलै जे बीमारी अबै छै तऽ हमसब ऑक्सीजन दै छियै, हाइड्रोकॉर्टिसन दै छियै, अहाँके लो मोलिकुलर वेट हेपारिन देबै, ई सब जे छै से उपचार नहि छै, ई सब की छियै कॉम्प्लिकेशंस नहि है, रोग नहि बढ़ै ओकर विधि मात्रे छै। एकटा सहारा दिए के काज करते अस्पताल से अपने कहि रहल छी, आब सहारा दिए में गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल कते सक्षम छै आइ के डेट में, जेना अपने कहबे के लिए कि जनशक्ति के अभाव छै, कहिया तक फुलफिल भऽ जेतै, किछु अगर आश्वासन दिए पड़े तऽ की कहबे अपने, कैला कि जे सब भऽ सकैए सीवियर होय तऽ ओ सब कत जेतै पहिले, हुनका सबके तऽ च्वाइस तऽ करऽ पड़तै, पहिले गजेन्द्र नारायण सिंह जाउ अस्पताल जाउ या दोसर ठीम जाउ, से तऽ एकटा च्वाइस तऽ करऽ पड़तै, तऽ तेहन अवस्थामे हुनका सबके अगर कहऽ पड़ै तऽ की कहबै अपने? हाई डिपेंडेंसी यूनिट जखन खुलि गेल छै कतबो सीरियस केस हेतै तऽ हमसब लेबै, एहिमे कोनो प्रॉब्लम नहि छै, लेकिन साधारण केस के लेल सेहो अपनेके जे हम साई कृष्णा के बात कहलहुँ ओहो 50 बेड लगभग रवि दिन से आबै वाला रवि दिन से हमरा सब कंडक्ट कऽ लेबै, एहि दुआरे कि दरबंदी निकालने छियै, आ दरबंदी अनुसार अखन एप्लीकेशन सब आबि रहल छै, तऽ एहिमे फेर जे छै से कोनो इंटरव्यू लए कऽ अत्ते दिन के बाद निकालक तेहन नहि छै, एकदम शॉर्ट कोर्स मे कहने छै गवर्नमेंट लै के लेल, तऽ लगभग रवि दिन तक हमरा स्टाफ यदि भऽ जाइ छै तऽ अहाँके रवि दिन तक डेट छै, तऽ रवि दिन के बाद जे छै से अहाँके ओहो अस्पताल संचालन भऽ जेतै, तऽ साधारण समस्या भेल बीमारी के हमसब ओतय रखबै, आ जटिल प्रकृतिक जे लक्षण वाला बीमारी हेतै तिनका सबके हमसब अस्पताल भीतर परिसर मे जे HDU छै ओहिमे भर्ना कऽ उपचार करबै, ओहिमे जनशक्ति बढ़ाबऽ के काज भऽ रहल छै जी। आब
आइसोलेशन के अगर बात कल जाए तो आइसोलेशन बेड अखन कते छै जे अनुसार आंकड़ा हम अपने के कहबे के लिए कि 250 प्रदेश सरकार कह रहल छै कि 250 टा आइसोलेशन बेड ऑलरेडी 70 में 6 से कह रहल छै जी स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रत्येक दिन डाटा उपलब्ध कराबै छै अपडेट क के ई 20 गते के अपडेटेड डाटा छै तै में 250 टा आइसोलेशन बेड अखन 70 में छै जिला भर में 250 टा बेड छै से कहि रहल छै त हम अपने से ई बुझै चाहै छी अपने के नॉलेज में कतऽ कतऽ छै आइसोलेशन बेड देखो जो जोड़ के कहलाये था तो उसमें यहाँ के 178 बेड जो पूरा साई कृष्णा में रहे तिनको जोड़ल गए थे 25 टा एचडीयू भेले वो जोड़ल गए थे तो ओहिना 200 भाग गए तकर बाद भारदह अस्पताल में सेहो छै किछ तिलाठी कोलाड़ी में सेहो व्यवस्था कयल गेल छै तो वो मिला जुला के यहाँ के 250 हम बुझ रहल छियै जे पहुँचल हैत लेकिन 178 बेड आइसोलेशन देखियो तऽ एकटा शब्द के अर्थ की बुझा पड़तै जे आइसोलेशन आ ट्रीटमेंट सेंटर फरक चीज होते हमसब आइसोलेशन सेंटर नहीं चाहे छी चलाबे ला हमसब चाहे रहल छी ट्रीटमेंट सेंटर चलाओ आइसोलेशन के होम आइसोलेशन भ रहल छी जकरा उपचार के आवश्यकता छै से मात्र अस्पताल आबो पॉजिटिव भेले अस्पताल आबि जेतै त हमरा सब सहयोग नहीं कर सकबै एहि दुआरे कि एबेर रोगी के उपचार करे के स्थिति बेसी भ रहल छै कॉम्प्लिकेटेड केस सब बेड नहीं पड़तै आ बिना कॉम्प्लिकेटेड केस सब यदि आबि के अस्पताल के बेड ऑक्यूपाई कर लेते तो बीमारी के हम सब रखबे करता ते द्वारा जिनका में लक्षण नहीं छे से घर में अपन रह के साधारण उपचार लेत आ जिनका में समस्या छे से मात्र अस्पताल लेथिन त हमरा सब को उपचार करे में सहज हेतै जी अब वेंटिलेटर के बात करी वेंटिलेटर कैटा छे अखन चाहिटा वेंटिलेटर छे कनिक समस्या छे वेंटिलेटर सब में लोग सामान मंगा ले गेले एचडीयू में चाहिटा राखल गेल छे या होल अस्पताल में चाहिटा छे होल अस्पताल में चाहिटा छे ई नया विकास छे गजनंद सिंह अस्पताल के इतिहास में पहलुक बेर आईसीयू स्टैंडर्ड सर्विस खुलल है परसों से बुझा पड़त आ एचडीयू बेड में हम सब चाहे समझे छे अपने के अच्छी लगा देने छे वेंटिलेटर अच्छा मतलब जे वेंटिलेटर अखन छे से एचडीयू में राखल गेल छे विशेष कर कोरोना संक्रमित सब के ध्यान में रखकर तेना बुझल जाए जी अभी वेंटिलेटर चलावे वाला जनशक्ति के अभाव एचडीयू जे छे से संपूर्ण रूप से अखन कोरोना संक्रमित बीमारी के समर्पित कर दिल गेले ओमे दोसर बीमारी के ले लेल जी तो वेंटिलेटर अखन वही जे लागल गेल छै लगाओल गेल छै से अपने कह रहल छी तो आब एकटा समस्या ई देखल जाय छै अब ई हरेक अस्पताल के समस्या देखल जाय छै पहिले तो वेंटिलेटर के अभाव तो छैये आ दोसर वेंटिलेटर भेला के बाद चलेते कि चलबा वाला जनशक्ति के अभाव सेहो देखल जाय छै महोत्तरी में से ई समस्या छै वेंटिलेटर किना के रखल गेल छै लेकिन चलावे वाला व्यक्ति नै छै एक साल पहिले किनेले लेकिन उच्च जनशक्ति राख नहीं सक रहा है प्रदेश सरकार ई समस्या देखल जा रहा है अहाँ सबके केना छै ओतय पर्याप्त जनशक्ति तो अखन हमरा सब लग नहीं छै लेकिन चलावे वाला मैन पावर छै हमरा सब लग अखन एनेस्थोलॉजिस्ट छै फिजिशियन छै मेडिकल ऑफिसर सब छै आईसीयू ट्रेंड की सिस्टर सब छै चलावे में तो असुविधा नहीं हेतै लेकिन मैन पावर कम छै यदि ओमे से एको आदमी संक्रमित भ गेलै तो फिर काम रुकि जेतै नंबर बहुत नहीं छै से समस्या छै तै दुआरे जे छै से मानि लिअ एनेस्थोलॉजिस्ट जे चाही वेंटिलेटर के लेल तऽ एकटा छै हमरा सब लग यदि ओ संक्रमित भऽ जाय काल्हि के दिन मे भगवान नहि करे तो ओ यदि संक्रमित भऽ गेलै तऽ फिर वेंटिलेटर केना चलतै ई सब समस्या आबि सकैए लेकिन शुरुआत करय मे दिक्कत नहि छै शुरुआत हमसब करबै आ शुरुआत मे रखबे करबै बीमारी के अब ई कोनो मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटरो नहि छियै जाहिमे अहाँके बहुते मैन पावर रहतै आब जेना धारान सब भेलै वीर हॉस्पिटल भेलै टीचिंग हॉस्पिटल भेलै सब मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर छै टीचिंग हॉस्पिटल सब छै तो ओहिमे की छै रेजिडेंट विद्यार्थी सब सेहो रहै छै ओ सब बहुत मदद करलक लेकिन हमरा सब लग ओ चीज के अभाव छै जे छै सरकारी दरबंदी या फिर छात्रवृत्ति करार में आयल डॉक्टर सब छै तऽ ओही से हमरा सब काज चलाबे पड़ रहल छै तो ओकर सुविधा रहितो संख्यात्मक रूप में हमसब मतलब जै अनुसार से उपकरण सब जड़ान भेल छै तै अनुसार से अगर जनशक्ति मात्र अगर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार उपलब्ध करा दो तो अहाँ सब बहुत निक से अखन कोरोना संक्रमित के इलाज होय जे कह सकै छी यद्यपि अखनो अगर कोई आवे तो कह सकै छी जी एकटा ऑक्सीजन के बात होय छै कि ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा खपत भ रहल छै अस्पताल सब में आ एकरा जगेरा के रखनाय सेहो जरूरी छै स्टोर केनाय सेहो जरूरी छै अस्पताल सब में कियाकि बहुत आवश्यकता पड़ सकै छै एहि में की समस्या अहाँ सबके आबि रहल छै ऑक्सीजन सबसे बड़का समस्या छै हम अयला के बाद अहाँ के
लास्ट इयर 56 सिलिंडर किनलिए एबेर 25 एलै अखन टोटल 91 सिलिंडर छ अस्पताल में। लेकिन अगर हम एक कैलकुलेशन सुनाबै छी यदि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में सब बीमारी का ऑक्सीजन पर रखल जाए हाई फ्लो ऑक्सीजन पर तो एक बीमारी बड़का सिलिंडर एक दिन में खाली कर मतलब बले कम से कम 25 सिलिंडर एक दिन में खपत वही हिसाब किताब से बेसी से बेसी 3 से 4 दिन में सब ऑक्सीजन खत्म हो जाए। ऑक्सीजन भरबाव के लिए हमरा सबके डेली इटहरी पहुंचाब पड़ते गाड़ी आ डेली 25 से 30 सिलिंडर भरा के आना पड़ते स्थिति में छे। तै द्वारा यदि अपने के हाई एसडीयू में बिरामी सब सीरियस बिरामी सब संख्या बढ़ जाए तो मैनेजमेंट बहुत कठिन भ जेतै मतलब संभालना बहुत मुश्किल भ जेतै दुखद परिणाम हेतै एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै। जी जना अपने कहबे के लिए कि किस गोटे के अखनो सिलिन मतलब ऑक्सीजन लागल छे नहीं किस गोटे के तो ऑक्सीजन के खपत के बात करी एक सामान्य व्यक्ति जखन सांस ले छे तखन के अवस्था में आ जबकि कोरोना संक्रमित जे सांस ले छे या ऑक्सीजन ले छे तखन के अवस्था में बहुत ज्यादा खपत होय छे सेहो कहल जाय छे की छे ओकर कैलकुलेशन केहन छे की टाइप ऑफ बीमारी छे कते सैचुरेशन घटल छे से देखा पड़ै छे हमरा सके। अब जना अहाँके रिक्वायरमेंट अनुसार ककरो बहुते कम छे मान लिया कम से कम 90 से ऊपर राखे पड़ै छे ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में नॉर्मल तो 97 से 100 के बीच में रखे पड़ते लेकिन 90 से ऊपर जाए हमरा सब कनी उत्साहित होइ छी जे नहि अभी ठीक लाइन पर आबि रहल है। अब कोनो बीमारी मान लिया 40% ऑक्सीजन लाग गेल तो ओकरा 200 लीटर पर मिनट हमरा सब सप्लाई करे पड़ते किछ बीमारी अबे अहाँ 80-85 लग तो 1 से 2 लीटर लो फ्लो में से काम चल जाए तब वो बीमारी केहन छे केहन में इन्फेक्शन छे कते निमोनिया डेवलप भेल छे वे अनुरूप हमरा सबके ऑक्सीजन खपत हेतु सबके बराबरे नहीं है सब कोरोना पॉजिटिव के एक रंग ऑक्सीजन देवे तेहन कोनो बात नहीं है ककरो 1-2 लीटर से होइए ककरो 200 लीटर से नहीं है आ ककरो वेंटिलेटर पर रखला के बावजूदो नहीं है स्थिति केहन छे ते अनुसार ऑक्सीजन खपत होइए। तो आई के लिए जना अपने कहली कि इठहरी से आना पड़ रहा छे तो कनी और एकरा जुगाड़ करी ते के लिए कोनो प्रयास प्रदेश से किछ अपने के रकम एलएसए हमरा आई बुझम आला तो एना है ओहो रकम अतेक बेसी नहीं है अखन सिलिंडर के बाजार के भाव जे पहले अपने के 12-14 हजार में भेटे छे तकर दाम सुन रहा है डबल कर देने से तो काला बाजारी छो गवर्नमेंट के रोक पड़ते जे ओतेक मूल्य में तो हमरा सबके लेने फिर बहुत समस्या हेतै तो कम से कम काला बाजारी रोक के हमरा सब से सिलिंडर किनबे पैसा के बहुत जल्दी व्यवस्था भ जेतै लेकिन महग से हम सब बात कर रहल छी विभिन्न टीम सब से मिलते तो हम सब लगभग 5 लाख सुनलिए एलए 5 लाख के सिलिंडर तुरंत किनल जेतै। अब एक टा अगर क्यों सीवियर भ जाए अगर उनका भर्ना हो पड़ छे अस्पताल में तो की छे व्यवस्था अस्पताल संपूर्ण खर्च दै छे अस्पताल तीर रहल छे अखन जना कि ऑक्सीजन के बात भ सके छे और दवाई के बात भ सके छे सब किछ अस्पताल उपलब्ध करा रहल छे। बहुत निक प्रश्न केलौ ई एकटा गंभीर प्रश्न छे देखियौ नेपाल सरकार की कहलकै है कि यदि अहाँ लग माइल्ड सिम्टोमेटिक केस है तो अहाँ के 3,000 रुपया देब यदि अहाँ के मॉडरेट किस्म के ओहिसँ कनी खराब स्थिति के केस है तो ओहिमे अहाँ के हम 7,000 रुपया देब आ जे वेंटिलेटर पर छै ओकरा हम 15,000 रुपया दिन के देब मतलब सरकार अस्पताल के देतै से अपने कहि रहल छियै अस्पताल के देतै बाकी कोनो भी शीर्षक में कोविड मैनेजमेंट के लिए 0 पैसा आयल छै एखन तक एकोटा पैसा नहि आयल छै अस्पताल में हम सब माइनस में छे बहुत ऋण बढ़ गए और ऋण केना फरचोट करबे पौरे साल के ऋण से बहुत ही बाकी जीती रहा तकर बावजूद अखन जे हम मैनेजमेंट से बढ़ा रहल छे जना एचडीयू में बहुत सामान किना पड़े एक्स्ट्रा एचडीयू के भरना करे के लिए एचडीयू के संरचना पो बन गए लेकिन ओमे बहुत चीज दे पड़े छे मॉक दे पड़े छे जॉग दे पड़े छे ई सब से लके दराज किनू ई किनू ओना कोनो बहुत सामान है तो वो सब टोटल पैसा जे छे से फिर जा रहल छे रकमांतरण क के दोसर शीर्षक के पैसा दोसर शीर्षक में दौ रहल छे या फिर अस्पताल अपने ऋण बुझू ऋण कहे कि मतलब ड्यू पर उठा रहल छे सामान सब तो ए स्थिति में हमरा सब जा रहल छे कतौ रकमांतरण नहीं भेल छे पैसा हमरा सब के एकोटा नहीं आयल छे यदि बीमारी भरना है छे तो अपने जे बीमारी भरना हेतै तकर संपूर्ण खर्च फिर अस्पताल देते सेहो कहने छे जना दवाई ओकर खेनाय ओकरा जे नीड से पानी से लके मतलब ओ चीज सब अखन उपलब्ध करा रहल छे एक तो अपने कहबे के लिए कि ऋण के बात भ सके छे अस्पताल के अपने जे अखन जना 8 गोटे भरना भेल छे तो हुनका सब से 1 रुपया लेने जा रहल छे सब किछ अस्पताल दौ रहल छे
खाली हमरा सब अपने के पैसा लो रहल छे कथी में जदि कियो व्यक्ति अपन स्वयं के इच्छा से कोरोना के जांच कराब आवे छे तो ओकरा पैसा तिर के मात्र जांच होय छे जे बीमारी के डॉक्टर लिख के दे छे जे बीमार छे एकर कोरोना के जांच करू तखन हम सब पैसा नै लै छियै फ्री रहै छै आ जे भरना भेलै हुनका सबके निःशुल्क इलाज भ रहल छै ओ सब तो टोटल निःशुल्क हेबे करतै जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब थैंक यू दर्शक वृंद ओ छलथि डॉक्टर रंजीत झा गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज के मेसू आई हुनका सब बातचीत करै छलै कि राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में व्यवस्थापन के काज केना के चल रहल छै जेना ओ कह रहल छलै कि 25 बेड HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट खड़ा कयल गेल छै ताहिमे किछु ICU के व्यवस्था कयल गेल छै NICU के व्यवस्था कयल गेल छै तेना HDU के ओहिमे बाँटफाँट कयल गेल छै ओहन किस्म के नया सामग्री सब उपकरण सब खरीद के ओहि किस्म के व्यवस्था कयल गेल छै लेकिन जनशक्ति के अभाव ई एकटा गंभीर समस्या देखल जा रहल छै कि जनशक्ति के अभाव आन ठाम जका सप्तरी में सेहो देखल जा रहल छै मशीन छै लेकिन जनशक्ति के अभाव देखल जा रहल छै यद्यपि डॉक्टर साहब जेना कहि रहल छलै कि अगर ओहि जे कोरोना संक्रमित अबै छै तऽ हमसब इलाज करै ला तैयार छी अखन 8 गोटे के ओहि जे इलाज चलि रहल छै यावत विषय में आइ सप्तरी के विषय में सप्तरी में केहन किस्म सँ व्यवस्थापन के काज चलि रहल छै एहि विषय में चर्चा करै छलियै बेस्ता नमस्कार।